Hey guys, welcome back to another TikTok hacks video. TikTok hacks क्या? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? Sorry. ये वीडियो में हम कोई नया TikTok hacks नहीं बनाने वाले हैं. Basically ये जो वीडियो है, ये automatic charcoal farm पे होने वाली है. Guys यहाँ पे जिसको भी automatic charcoal farm बनाने में interest है, वो ये वीडियो देख सकते हैं. और जिनको automatic charcoal farm बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो भी ये वीडियो देख सकते हैं. वीडियो देखने से हमें व्यूज़ मिलते हैं और साथ ही हमें सपोर्ट भी मिलता है. तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए. चलिए गाइस, क्रीपर फटने से पहले स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे चारकोल फार्म बनाना है, तो उससे पहले मैं आपको मेरे वर्ल्ड का थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ फ्री में. गाइज वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं पहले. ओके, तो ये मेरा सीक्रेट बेस है जो कि मैंने ऐसे ही इस वर्ल्ड में बना के देखा था. और क्या है यहाँ पे देखता हूँ, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, लगता है वो ट्रेडर है. मतलब ये ट्रेडर ही है. भाई ट्रेडर, क्या हालचाल? ओ भाई, ये तो लिटरली मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब इग्नोर ही कर रहा है. तो भाई तेरे को मेरे से बात नहीं कर रही है, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, तू भी भाग, चल भाग. इग्नोर किया ना तो अब तो तेरी फुल पिटाई होगी. ओ भाई ये तो मर ही गया एक शॉट में. तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे दे. तो अभी बहुत टाइम हो चुका है, आप भी मेरे इस टाइम पास से पक गए होगे. तो अभी बिना टाइम पास किए हम चालू कर देते हैं हमारा जो भी काम था, मतलब ऑटोमेटिक चारकोल फार्म जो हमें बनाना था, वो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. इससे हम पूरे वीडियो में टाइम पास कर सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, मतलब ये इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना. गाइस फाइनली यहाँ पे चारकोल फार्म हम भी बनाने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो भी सामान लगता है, सामग्री लगती है, वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री खोलनी है, और वहाँ पर हमें एक चेस्ट ले लेना है, और कुछ वुडन के रॉ वाले ब्लॉक्स ले लेने हैं, और उसके बाद हमें एक चेस्ट ले लेना है इस प्रकार से. और उसके साथ ही हमें एक वॉफर भी ले लेना है, और उसके साथ वुडन प्लैंक्स भी हमें यहाँ पे बहुत सारे ले लेने हैं. तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यहाँ की जो डर्ट है, तो उसको ऐसे हटा देना है यहाँ से. मतलब दो ब्लॉक्स की डर्ट यहाँ पे हटा देनी है, और उसमें आपको सिंपली चेस्ट को ऐसे रख देना है. और यहाँ पे आपको ऊपर आना है थोड़ा सा, और ऊपर आके हॉपर को यहाँ पे फिक्स कर देना है ऊपर से, मतलब स्क्राउच करके इसको फिक्स करना है, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा. और उसके ऊपर आके आपको फर्नेस को रख देना है स्क्राउच करके, और फर्नेस के ऊपर भी आपको कुछ रखना है जो कि है नीचे आके मैं आपको बताता हूँ. तो आपको सिंपली यहाँ पे साइड में भी हॉपर को लगा देना है, यहाँ पे दोनों साइड को हॉपर को ऐसे फिक्स कर देना है. और आपको ध्यान रखना है कि इसको लगाते वक्त आप स्क्राउच होए होगे, तो स्क्राउच करके ही इसको फिक्स करना है, नहीं तो ये यहाँ पे नहीं फिक्स होगा. उसके ऊपर आना है आपको, और यहाँ पे आपको लगा देना है एक हॉपर फिर से, और उसके ऊपर भी आपको फिर से चेस्ट को एक लगा देना है. स्क्राउच करके ऊपर आना है, और जंप करके उसको ऐसे फिक्स कर देना है. देन आपको क्या करना है, फिर नीचे आना है, और इस हॉपर पे भी एक चेस्ट रख देना है, और उस साइड भी एक चेस्ट को ऐसे फिक्स कर देना है. गाइस यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक चारकोल फार्म बन के रेडी हो चुका है. तो ये कुछ इस प्रकार का वीडियो में लग रहा है. तो आपको क्या करना है, मैंने जो भी आपको बताया वो आपको सिंपली फॉलो करना है, और यहाँ पे कर देना है. उसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर का जो चेस्ट है उसमें जो ये ओक के लोग है उसको यहाँ पे रख देने हैं. और उसके बाद आपको जो ये जो वुडन प्लैंक्स है उसको साइड वाले चेस्ट में रख देना है. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चारकोल है वो जनरेट हो रहा है. तो जो नीचे का जो चेस्ट है, सॉरी नीचे का जो फर्नेस है, वहाँ पे दोनों ही मतलब वर्किंग प्रोसेस हो रही है. तो वहाँ से चारकोल मतलब बन रहा है और नीचे के चेस्ट में आ रहा है. होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. माइनक्राफ्ट पे हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं. अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना. चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.